हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू कोजी कट्टा। आज थोड़ा डिफरेंट सेटअप है, आज मैं एक शादी में आई हूँ, सो इट्स नॉट एक्चुअली व्हाट आई हैड सेड कि घर में बैठ के कोजी कॉर्नर पकड़ के मैं आपके साथ गप्पे मारने वाली हूँ। ये शादी में आई हूँ और एक छोटा सा कोजी कॉर्नर मैंने पकड़ा हुआ है, एंड आई एम जस्ट सिटिंग हियर एंड डूइंग मस्ती। सो आई जस्ट थॉट ऑफ टेलिंग यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड आस्किंग यू कि आपकी इसके ऊपर क्या राय है। नो ऑफेंस टू एनी फोटोग्राफर्स हियर, मुझे फोटोग्राफी एंड फोटोग्राफर्स के बारे में बात करनी है। तो इसमें कोई भी फोटोग्राफर, आई एम रियली सॉरी अगर मैं कुछ बोलूँ ऐसा, बट इट्स नथिंग रिलेटेड टू यू पर्सनली। तो अभी क्या हुआ ना, मैं जिस शादी में आई हूँ, तो मैंने हम लोग जैसे सब फैमिली मेम्बर्स फ़ोटोज़ खींच रहे थे, माई सिस्टर, माई मदर, फादर, हम लोग जस्ट सब लोग फ़ोटोज़ खींच रहे थे। तो एक ग्रुप फोटो खींचने के लिए, सो द वेडिंग फोटोग्राफर वॉज पासिंग बाय एंड आई आस्क्ड हिम कैन यू प्लीज़ क्लिक पिक्चर। तो मैंने मेरा फ़ोन उनके हाथ में दिया, तो उन्होंने मुझे बोला कि हम लोग मोबाइल पे नहीं खींचेंगे, हमारे कैमरा में खींचेंगे फ़ोटो। तो देन आई सेड कि अरे पर मोबाइल में खींचो ना, अभी तुरंत मेरे पास आ जाएगा। तो देन ही सेड कि नो, हम अभी मोबाइल फोटोग्राफी नहीं करें, वी आर ओनली डूइंग इट ऑन द कैमरा। सी, नो ऑफेंस टू दिस, आई अंडरस्टैंड, ठीक है आपको आपके कैमरा पे फोटो खींचनी है वगैरह सब कुछ, आई अंडरस्टैंड टोटली, बट आई जस्ट फील दैट अगर आपने मोबाइल पे एक मिनट में खींचा होता तो आपका क्या जाता। अभी उसमें मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपके कैमरा पे आप फोटो खींचेंगे तो उसके बाद मैं कहाँ पे चेज करूँगी वो एक फ़ोटो के लिए, मेरे फैमिली फ़ोटो के लिए। लाइक शुड आई बी कॉलिंग यू, या अभी मैं जिस शादी में आई हूँ, मेरी फ्रेंड की शादी है, तो वो बेचारी शादी करके अपने हनीमून पे जाएगी, हनीमून से वापस आएगी, देन शी विल हैव हर थिंग्स टू डू, फिर इतने सारे फ़ोटोज़ खींचेंगे, उस फोटो में से वो अपने खुद के फ़ोटोज़ चूज़ करेगी, उसमें मैं उनको वापस से बोलूँ नहीं नहीं प्लीज़ मेरा एक फैमिली का फोटो है, कैन यू प्लीज़ सेंड मी दैट पिक्चर, कैन यू प्लीज़ सेंड मी दैट पिक्चर। यू कैंट चेज द कपल फॉर योर पिक्चर्स, राइट? सो आई जस्ट फील दैट थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए फोटोग्राफर्स को। इफ़ वी आस्क यू कि ग्रुप फोटो क्लिक कर दो, आपका क्या जाता है, एक बस फोटो ही आपको क्लिक करना था। नो ऑफेंस हियर, सी देर आर मेनी फोटोग्राफर्स हु आर माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स, बट आई रियली फेल्ट दैट यू नो एक फ़ोटो खींच के इतना कुछ जाता नहीं है। एंड वेडिंग वगैरह ऐसा टाइम होता है व्हेन यू आर ड्रेस्ड अप एंड यू वांट फैमिली पिक्चर्स एंड ऑल, एंड यू कैन नॉट बी चेजिंग द फोटोग्राफर और द फैमिली, द जिनके आप शादी में आए हो, तो आप उनको चेज नहीं कर सकते ना फोटोज़ के लिए। सो दिस इज़ वॉट आई फेल्ट, आई एम रियली सॉरी अगर कोई फोटोग्राफर्स को ऐसा लगा कि अरे ऐसा कैसे बोल दिया एंड ऑल। सो बाकी लोगों को, आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है क्या, और अगर कुछ एक्सपीरियंस किया है, व्हाट आर योर कमेंट्स, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड फोटोग्राफर्स, वी लव यू, आई लव टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बट थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाए करिए। थैंक यू सो मच गाइस, वापस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, टाटा, सी यू। ओके, सो आई अंडरस्टैंड जब हम एक फ़ोटोशूट करते हैं और उस टाइम पे अगर फोटोग्राफर बोलते हैं कि आप मोबाइल पे फोटोशूट मत करो, फोटो क्लिक मत करो, तो आई टोटली अंडरस्टैंड, बिकॉज उसमें फिर क्या होता है, मुझे पता है कि ये फ़ोटोशूट होने के बाद मुझे मेरे फ़ोटोज़ मिलने वाले हैं। बट जब आप एक शादी में आते हो जहाँ पे इतने सारे लोग हैं, तो फिर आपको आपके फ़ोटोज़ कैसे मिलेंगे। मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि फोटोग्राफर जब बोलता है कि नहीं हम सिर्फ कैमरा में ही फोटो खींचेंगे, तो उसके बाद हाउ इज़ इट पॉसिबल इवन फॉर द फोटोग्राफर, आई एम सेइंग इवन फॉर द फोटोग्राफर और द फैमिली, कैसे हम उनको चेज करेंगे एक फ़ोटो के लिए कि हमारी वो एक फ़ोटो आपके फोटोग्राफर ने खींची थी, हमें प्लीज़ वो दे दीजिए। सो इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, राइट?